हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के वाईफाई का जो है ना कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी QR कोड के जरिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का आपको क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे ना तो आपका एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें देखिए जो वाईफाई का जो आइकन है, वाईफाई के आइकन पे उंगली से दबा के रखना है तो आपका वाईफाई वाला ये पेज आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें मेरा वाईफाई जो कनेक्टेड है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का कि आपका जो वाईफाई वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये मान के चलना है कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो इस वाले पेज में आने के बाद आपको ना सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऐड नेटवर्क के सामने ये स्कैनर का ऑप्शन होता है, इसे टैप करना है तो आपका जो वाईफाई का जो स्कैनर है ना ये ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, आपके वाईफाई के स्कैनर से आपको सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड होगा ना उसे स्कैन करना है तो आपके मोबाइल फोन में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन का वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड से। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात ये भी समझा देता हूं कि आपको जो है ना सामने वाले पर्सन का वाईफाई का QR कोड कहां पे मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल फोन होगा ना उसमें भी आपको जो है सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन के वाईफाई के इसी वाले पेज पे आ जाना है और यहां पे उसका जो वाईफाई कनेक्टेड होगा ना इस तरीके से, तो कनेक्टेड वाईफाई के सामने जो सेटिंग का आइकन है इसे टैप कर लेना है। अब देखिए, इस पेज में आपको शेयर का ये ऑप्शन है, शेयर पे टैप करना है तो आपको यहां पे मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे वाईफाई का QR कोड आ जाता है सामने, आप देख सकते हैं। तो सामने वाले पर्सन के मोबाइल फोन में वाईफाई का QR कोड आपको इसी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको सारी सेटिंग आपको बता दी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेटिंग का आप यूज़ कर लीजिए।